नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा न सिर्फ कैंसर, किडनी, कोमा और लास्ट स्टेज के पेशेंट्स के लिए कारगर सिद्ध हुई है, बल्कि सर्जरी और अन्य कई गंभीर ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए भी काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है। और ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में जान करके यहाँ पर आकर संपर्क करते हैं। बड़ी उम्मीद से वो लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसे ही एक GBM जो ब्रेन ट्यूमर होता है, उसके एक पेशेंट हमारे साथ, उनके परिजन यहाँ पर आए हैं। उनके कजिन को ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने सर्जरी भी कराई और वो गुजरात अहमदाबाद से हमारे पास यहाँ पर आए हैं। आज पहली बार वो हमारे पास आए हैं और हम उनसे उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लगा और कैसे उनको यहाँ के बारे में पता चला। आप पूरी बात अपनी बताइए। क्या शुभ नाम है आपका सर? नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप पटेल है और मेरे कजिन को अभी ग्रेड 2 ग्लियोमा डिटेक्ट हुआ है 15 दिन पहले। तो हमने सर्जरी अप्रोक्सीमेटली 12 डेज अगो सर्जरी करवाई है। सर्जरी सक्सेसफुल, कुछ इश्यू भी नहीं है, लेकिन अभी फर्दर जो नेक्स्ट MRI जो कराना है वो 3 महीने के बाद कराना है, तो फिर पता चलेगा कि ये कैंसरस GBM जो ट्यूमर है, ग्लियोमा कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। तो अभी हमको 3 महीना वेट नहीं करना था, तो थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च किया। रिसर्च में हमको वीडियो मिला कि डॉक्टर अर्पित जैन ने इंदौर के डॉक्टर एक पेशेंट है अहमदाबाद से रूबरू इधर कंसल्टेशन के लिए आए है और सर से बात भी हुई। उन्होंने बोला कि चलो ट्रीटमेंट चालू करते हैं, कोई बात नहीं, डिसॉल्व हो जाएगा धीरे धीरे। तो अभी आज फर्स्ट डे हमारा और आज दवाई मिली है, तो हम जो हमारा नेक्स्ट 1 महीने का अभी दवाई लिया है हमने, तो 3 महीने के बाद MRI करवाना है। मतलब तीन कंसल्टेशन का 3 डोज हम लेंगे और फिर MRI कराएंगे। फिर हम MRI के बाद जो रिपोर्ट आएगा वो शेयर करेंगे कि हमको कितना एक्चुअली फर्क दिखा है। राइट। और अभी हमको पता नहीं कि वो उसमें जो ट्यूमर है वो रह गए कि नहीं रह गए, पूरा निकाल दिया है आधा निकाला है, राइट, वो कुछ अभी डिसाइड नहीं है। तो क्योंकि अभी उसका MRI नहीं हुआ, आफ्टर पोस्ट ऑपरेशन नहीं हुआ, तो पोस्ट ऑपरेटिव MRI जो है वो 3 महीने के बाद होगा, लेकिन क्योर तो हम पहले से प्रिकॉशन लेके चालू कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये। हाँ। अपने को पेशेंट को क्योर करना सबसे बड़ी जरूरत है। हाँ। ना कि अपने को रिपोर्ट्स का इंतजार करना या किसी और चीज का। 3 महीना वेस्ट नहीं करना है, तो फिर कभी से दवाई ले चालू कर रहे और जो भी हमारा जो एक्सपीरियंस है पोस्ट ऑपरेटिव एक्सपीरियंस, जो दवाई लेने के बाद 3 महीना दवाई लेंगे, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि कितना उनको फर्क लग रहा है, डिसॉल्व कितना हुआ है, वो सब MRI रिपोर्ट में आएगा। अभी आपको कैसे पता चला था ये डॉक्टर साहब के बारे में? ऑनलाइन वीडियो से पता चला था, यूट्यूब का वो आशी अंसारी का वाला वीडियो सर, उससे ही पता चला था सर। ऑनलाइन आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा? तो निश्चित रूप से जिस तरह से आशिया अंसारी ने अपनी स्टोरी को शेयर किया, तो आज उसको देख करके आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ऐसे ही हम ये शुभकामना देते हैं आपको, मंगल कामना करते हैं कि आपके पेशेंट भी जो हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी तरह से रिकवर हों। और वैसे मैं ऑलमोस्ट मेडिकल फील्ड से हूँ, सो मुझे पता है कि ये एक्चुअली क्योर होता है नहीं होता है वो सब थोड़ा, मेरा ग्रुप भी पूरा डॉक्टर्स का ही है। अच्छा अच्छा। तो मुझे मालूम है कि एलोपैथी में देयर इज नो क्योर फॉर ग्लियोमा, राइट, आई नो दैट। तो हम अभी आयुर्वेदिक या होम्योपैथी ट्राई करने वाले थे वैसे भी, और आपका वीडियो मिला। पर होम्योपैथी तो मतलब उससे फास्टर देन आयुर्वेदिक, मेरे को ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता, मेरे दो दोस्त न्यूरोसर्जन है, राइट, तो उनका भी हमने थोड़ा ओपिनियन लिया था। तो मुझे मालूम है कि इसका क्या एलोपैथी में क्योर होता है नहीं होता है, वो सब मुझे, मैं R&D करके आया, मतलब सबको पता है कि एलोपैथी में इसका क्योर नहीं है। तो थोड़ा रिसर्च करके हम इधर आए सर, तो अभी 3 महीने दवा ले रहे हैं। ये जो आशिया अंसारी का जो ट्रीटमेंट हुआ है और ये जो आपके पास में एक मॉडल मौजूद है एक तरह से,
जीबीएम का, ये निश्चित रूप से एक आविष्कार है, चमत्कारी रिजल्ट है मॉडर्न होम्योपैथी। सर्टेनली, तो होपफुली सेकंड जो आपका मॉडल है वो हम बन जाए। हाँ, बिल्कुल, मेरा कजिन भी 100% क्योर हो जाए। हाँ, हम भी आशा यही करते हैं। तो अभी तो 3 महीने के बाद सर ने बोला कि 3 महीने के बाद एमआरआई करवाओ और फिर आओ, देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट आता है। तो मैं अपना जो सेकंड रिव्यू है बिल्कुल 3 महीने के बाद आपके साथ शेयर करूंगा। जरूर जरूर। अभी आपको यहां आकर के कैसा लगा है आपको डॉक्टर? ना, एवरीथिंग इज वेरी गुड, डॉक्टर इज वेरी नॉलेजेबल एज वेल, सो वेरी गुड, ओवरऑल एक्सपीरियंस गुड। डॉक्टर साहब से मिल के आपको क्या लगा? वेरी गुड, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, नेचर अच्छा है। पेशेंट को देखा, उन्होंने बढ़िया से आप सारी बात टाइम भी दिया और पूरा एक्सप्लेन भी किया प्रॉपर्ली। तो आपको आशा है, भरोसा है, विश्वास है सर? भरोसा इसलिए सर, यहाँ से 1000 किलोमीटर से इधर आए हैं, भरोसा ना होता तो इधर आए नहीं होते। बराबर बात है, बराबर बात है। क्योंकि वो कंसल्टेशन तो फोन पर भी हो सकता था। हाँ, सही बात, लेकिन फेस टू फेस जो बात होती है वो फोन पे नहीं हो सकती। बराबर, उससे और कॉन्फिडेंस होता है। बराबर, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं हमारी है कि आपके जो भी पेशेंट हैं वो इस बीमारी से, क्योंकि बहुत गंभीर बीमारी है और रेयरेस्ट बीमारी, रेयरेस्ट बीमारी कम लोगों को होती है। राइट, मैं विथ प्रूफ जो मेरे पास अभी रिपोर्ट्स भी पड़े हैं, तो रिपोर्ट का जो प्रीवियस रिपोर्ट, जो इम्प्रूवमेंट का रिपोर्ट, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। बिल्कुल, डॉक्टर की दवाई लेने के बाद। बिल्कुल, जरूर स्वागत, और आपके लिए शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि आपके पेशेंट शीघ्र स्वस्थ हों और आप वाकई में अपना सारा जो रिव्यू है वो हमारे साथ शेयर कर पाए। आपने प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर अर्पित जैन से हमारा कजिन हो जो क्योर हो जाए ग्लियोमा से, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए ग्लियोमा। इसी बात के लिए हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पे आपने भरोसा किया और आप यहाँ तक आए हैं। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप सक्सेस होंगे, आप पूरी तरह से आपके कजिन जो है वो स्वस्थ होंगे, यही शुभकामना। नमस्कार। नमस्कार। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जंजीरवाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर।